और चलिए अपन जोर से अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां महिला मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक। बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा का बयान सामने आया, मेरा पूरा परिवार आपके लिए समर्पित है। शक्ति रानी शर्मा ने यह बात कही है, महिलाओं की दिक्कतों को दूर किया जाएगा, जनता के दुख दर्द में हमेशा साथ खड़ी हूँ, मेरा परिवार सदैव जनता के लिए तत्पर है। शक्ति रानी शर्मा की ओर से तमाम बातें कही गई है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं की दिक्कतों को दूर किया जाएगा और उन्होंने ये भी कहा कि उनका पूरा परिवार जनता के लिए समर्पित है। बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा का बयान सामने आया और उन्होंने कहा, मेरा पूरा परिवार आपके लिए समर्पित है। महिलाओं की दिक्कतों का समाधान किया जाएगा, बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा की ओर से कहा गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगातार शक्ति रानी शर्मा की ओर से भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कालका विधानसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी हैं शक्ति रानी शर्मा और उन्होंने कहा है कि मेरा पूरा परिवार आपके लिए समर्पित है। महिला मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक में ये बात कही, ये बयान उनका सामने आया। बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने महिला मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक के दौरान बयान दिया और उन्होंने कहा कि मेरा पूरा परिवार आपके लिए समर्पित है, महिलाओं की दिक्कतों को दूर किया जाएगा, वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा भी लोगों के बीच जा रही हैं और समर्थन की अपील कर रही हैं। शक्ति रानी शर्मा के साथ सांसद कार्तिकेय शर्मा भी कालका में पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। वहीं चुनाव प्रचार में शक्ति रानी शर्मा को पूरे समर्थन मिल रहा है। तो विधानसभा में चुनाव प्रचार लगातार जारी है, बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के समर्थन में प्रचार किया जा रहा है। हालांकि कालका विधानसभा सीट से उन्हें अच्छा खासा समर्थन भी अपने प्रचार के दौरान मिल रहा है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने भी चुनाव प्रचार किया है, खुद प्रचार की कमान संभाले हुए हैं सांसद कार्तिकेय शर्मा और रैलियाँ भी की जा रही हैं, रोड शो भी किए जा रहे हैं और उसमें भारी जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। और वही हरियाणा को लेकर दिल्ली में बीजेपी की ये बड़ी बैठक हुई है। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतने, प्रदेश की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।